नमस्कार। दंगे नाम से मूवी आई है, उसका रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। ये दंगे मूवी है ना, तमिल में पोर नाम से एक मूवी बनी थी, उसका रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक। एक डायरेक्टर है विजय नोम्बियार, वो मतलब बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, बहुत सही सही फिल्में दी उन्होंने। मैं आपको उनकी लिस्ट गिनवाता हूँ। वजीर हो गई, कारवा हो गई, तैश हो गई, मतलब फिल्मोग्राफी एक्सेलेंट है उनकी। उन्हीं की एक वेब सीरीज आई थी फेम गेम, वो भी बहुत पसंद की गई थी। विजय के साथ में एक मतलब एक दिक्कत है कि वो ना कहानी पे कम ध्यान देते हैं और पिक्चर को जो टेक्निकली जो होता है ना उसको, मूवी को वेल मेड बनाने पे और सिनेमा कैसा बन रहा है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में ना टेस्ट बिगड़ जाता है पिक्चर का। इसमें भी यही हुआ, डिटेल में बताऊंगा आपको। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। इसकी कहानी हासिल है, गुलाल है, वो फिल्में अगर आपने देखी हो ना तो उसके जैसी कहानी है। हासिल और गुलाल जो है ना बहुत मास्टरपीस फिल्में हैं, फेमस हैं, लेकिन वो क्लास ऑडियंस के लिए बनाई गई थी। वो फिल्में मास ऑडियंस तक पहुंची नहीं थी ज़्यादा, तो बहुत कम लोगों को उनके नाम पता है, लेकिन फिल्में नंबर एक हैं। दंगे जो मूवी है, इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है ना वो किस तरीके से काम करती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये दिखाने की कोशिश की है। दिक्कत ये हो गई कि दोनों स्टूडेंट जो दिखाए ना, दोनों मतलब दो हीरो जो दिखाए ना, वो दोनों स्टूडेंट नहीं लगते। दोनों की एज इतनी ज्यादा लगती है, उम्र दराज लगते हैं, उसके चक्कर में ऑडियंस जो है ना वो तालमेल ही नहीं बिठा पाती ढंग से। सेकंड बात, जो बैकग्राउंड जो बनाया है ना मूवी का, शुरुआत में स्टोरी में उसमें बैकग्राउंड बनाने में बहुत सारे मतलब इन्होंने टर्न्स वगैरह डाल दिए, उसके चक्कर में मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं खुद डायरेक्टर साहब कि उसमें टाइम इतना खर्च कर दिया इनने कि लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। आगे क्या होने वाला डायरेक्टर साहब खुद ही नहीं समझ पाते, मतलब इंटरवल तक ऐसा लगता है इंट्रोडक्शन ही चल रहा है मूवी का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है ना उसको मतलब हल्के में उसको दिखा दिया, थोड़ा सा हल्के में उसको छुआ, और फिर साथ में लव स्टोरी के अलग अलग एंगल्स पे अलग फोकस करने लग गए। उससे नुकसान ये हुआ कि ना तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे फोकस कर पाए, उसके अलावा जो एंगल दिखाना चाह रहे थे लव एंगल्स, ट्राइंगल्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी ढंग से नहीं दिखा पाए। मतलब लव ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश थी पर बना कुछ भी नहीं। लीड हीरो जो है ना, दोनों स्टूडेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है एक तो हर्षवर्धन राणे हीरो हैं और एहान भट्ट दो हैं। दोनों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स कम की और गुंडागर्दी ज्यादा की पिक्चर में। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था, साउथ की फिल्मों में नहीं होता कि आपके कान दर्द करने लगते हैं, वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक। हर फिल्म हर मतलब सीन के पीछे एक नॉर्मल बैकग्राउंड म्यूजिक, एक शांत वाला भी चल सकता है, उसमें भी मतलब इतना धमाकेदार जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अलग ही होने वाला है। हर सीन में चीखने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक था। फिल्म बनी ही ऐसी है कि वो पूरी थकी हुई सी लगती है। ऊपर से सारे एक्टर्स ने अधूरे मन से काम किया, जैसे वो फीस ले ली उनने और अपने अपने सीन करके निकल गए, मतलब सबने बिना एक्साइटमेंट के मन मार के काम किया। उसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कमजोर है, मतलब अब मैंने बताया लव ट्रायंगल था, उसके बाद में भी एक ढंग का रोमांटिक गाना नहीं है, सुनने लायक एक भी गाना नहीं है। अगर आपको शोरगुल हुआ, मार धाड़ हुई, ये सब फिल्में, अगर वो मसाला फिल्में अच्छी लगती है ना धमाकेदार, तो उस पर भी ये खरी नहीं उतरती, फिर भी आपको बोर ही करेगी। मेरी तरफ से इस पिक्चर को 5 में से 1.5 स्टार, इससे आप बहुत दूर रहें भाई, बिल्कुल ना देखें इस पिक्चर को, बहुत बेकार है। आपका जो भी कहना हो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो करना। धन्यवाद।